खबर रीवा जिले से है, जहां समान थाना क्षेत्र से चोरी की गई वैगनार कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के उस समय होश उड़ गए जब स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि सड़क के किनारे एक कार कवर खड़ी है और उसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कवर को हटाकर देखा तो कार के अंदर एक व्यक्ति सो रहा था। उसे जगाने पर जानकारी हुई कि कार के अंदर सो रहा व्यक्ति कार चोर है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है और कार को बरामद कर आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि गत दिवस समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर से लाल रंग की कार चोरी हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आइए सुनते हैं नगर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। और मुझे यहाँ अंदर किया, बाहर से लॉक के चार्जेस। कार किसकी थी? और मोटा मोटा है ना थोड़ा सा, ये मोटो फोटो दिख रही है। देखिए ये इसमें हमने जब आके मौके पर देखा तो गाड़ी में जब देखा तो उस व्यक्ति की सांस चल रही थी जो गाड़ी के अंदर था, और गाड़ी ऊपर से कवर्ड थी पूरी। और जब हमने गाड़ी को खोल के देखा तो उसमें एक व्यक्ति निकला जिंदा, और जो कि जिसने गाड़ी चोरी की थी तो उसको हमने पकड़ लिया। पूछताछ जारी है। ये गाड़ी कल रात में चोरी हुई थी। ये समान थाना क्षेत्र का एरिया है, नेहरू नगर के आसपास का। तो उसके बाद से ये गाड़ी आज यहाँ पड़ी हुई मिली है। तो लोगों की सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे आके जब्त किया है। इसमें कोई अन्य आरोपी की जानकारी मिली? अभी जांच जारी है और जैसे ही ये कार्रवाई की जाएगी तो आपको बताया जाएगा। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित। और मैं हूं अनीता भट्ट, और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.